आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो टाइटल या फिर थंबनेल देख के तो आपको पता चल चुका है कि आज इस वीडियो में हम किस गेम के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे दोस्तों को शायद इस गेम के बारे में पता होगा, नहीं पता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं, आपको बता देते हैं। एक साल पहले इस गेम को शट डाउन कर दिया गया था, लेकिन उसी शट डाउन में ये भी कंफर्म कर दिया गया था कि पेडे वॉर क्राइम फिर से हम रिलॉन्च करेंगे एक नए पब्लिशर के साथ मोबाइल डिवाइसों के लिए। तो फाइनली इस गेम का क्लोज बीटा टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये गेम खेलना है क्लोज बीटा फेस पे ही, तो ये वीडियो आपके लिए है, कहीं भी मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो इस गेम को खेल नहीं पाओगे, 2022 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको जल्दी से जल्दी ग्रे बना दो। तो पे डे क्राइम वॉर को 18 दिसंबर यानी पिछले साल के 18 दिसंबर में शट डाउन कर दिया गया था, और इसके जो डेवलपर थे NVC यूनिवर्सल, अभी जो नए डेवलपर इस गेम को लाने वाले हैं उनका नाम है पॉप रिच। तो गेम के बारे में थोड़ा डिटेल आपको पहले देते हैं। ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन आप इसका ट्रेलर तो देख पा रहे हो, ये एक 4v4 ऑनलाइन शूटिंग गेम है जिसमें आप को ओपी हिस्ट कर सकते हैं यानी चोरी कर सकते हैं प्लानिंग बना के अपने दोस्तों के साथ। अलग अलग क्लासिक कैरेक्टर भी आप इस गेम में यूज कर सकते हो, अलग अलग लोकेशन भी है। अगर आप पेडे क्राइम वॉर को ऑलरेडी खेल चुके हैं तो टोटली उसी जैसा एक्सपीरियंस इस नए गेम में भी आपको मिलने वाला है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया गया है जितना भी आपका डेटा रहेगा पिछले गेम में क्या इसमें हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, उसका आंसर आना अभी बाकी है। लेकिन ये जो बीटा फेस है इसमें तो फ्रेश आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे प्री रजिस्टर आपको करना है इसके क्लोज बीटा में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके इनके सर्वे के पेज में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 2 पेज का इनका फॉर्म है, उसको आप अच्छे से पढ़ के फिलअप करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है ईमेल एड्रेस, क्योंकि उसी में ही आपको क्लोज बीटा का लिंक मिलने वाला है, उसी से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को 1 दिसंबर के पहले देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे, क्योंकि 1 दिसंबर को ही इनका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, और ये जो क्लोज बीटा टेस्ट है सबको मिलना स्टार्ट होगा 6 दिसंबर से, समझ रहे हो। तो इसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। अगर आप पूछोगे इसका ऑफिशियल रिलीज डेट कब है, उनकी तरफ से फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेजर के एंड में हमें पता चल जाता है कि इस गेम को 2022 के ईयर में ही रिलीज करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कौन से मंथ में इस गेम को रिलीज करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो और एक न्यूज आपको शेयर कर देते हैं, फाइनल फैंटेसी 7 द फर्स्ट सोल्जर का प्री डाउनलोड जो है गूगल प्ले स्टोर पे स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप उस गेम को खेलना चाहते हैं उसका सर्वर जो है ऑनलाइन जाएगा 17 नवंबर यानी कल से, तो जल्दी से जाओ प्री डाउनलोड कर लो, कल से ही आप उस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे। हमारा भी गेम प्ले तो आने वाला है, उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। तो अगर अभी तक इस वीडियो को बिना स्किप करके देख रहे हो तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रजिस्टर तो आसानी से कर चुके होंगे। अभी सिर्फ आपको वेट करना है जब इसका क्लोज बीटा टेस्ट सबको मिलना स्टार्ट होगा, आपको भी मिल जाएगा जो भी आप ईमेल एड्रेस उसमें फिल किए हैं उसी में ही मिलेगा। तो अगर आपने गलत फिल किए होंगे तो शायद आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेम्स के बारे में जानना चाहते हो, इस लोगो बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।